ओके हेलो गाइस, यू आर वाचिंग ऑल इन वन। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों WWE 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को अच्छी बुकिंग नहीं देती। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं। हम जानते हैं, हमने देखा था ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल से पहले जॉन सीना की लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी। तो गाइस, WWE हम जानते हैं एक सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा पुश नहीं देती और उसे बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करती। अब मिसाल लेते हैं रोमन रेंस की। तो अगर WWE अपना सारा फोकस रोमन रेंस पे कर देगी, फिर पीछे सेथ रॉलिंस, डीन एम्ब्रोस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, फिन बैलर जैसे सुपरस्टार का क्या होगा। हमने देखा था जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस के बीच नो मर्सी में एक सिंगल मैच हुआ था। तब 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को वो मैच जीतना चाहिए था, लेकिन रोमन रेंस को इसलिए वो मैच जिताया गया ताकि रोमन रेंस को बड़ा पुश मिले। इसी तरह बात करते हैं जॉन सीना की अचीवमेंट की। तो जॉन सीना को काफ़ी बड़ा पुश पहले ही मिल चुका है। वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 5 टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन और टैग टीम चैंपियन और मिस्टर मनी द बैंक भी रह चुके हैं। तो गाइस, पहले एक मैच हुआ था जॉन सीना वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस इलाइस के बीच। तो अगर WWE ने जिताना ही था इलाइस को, तो वो सीधा पिन भी कर सकते थे ब्रॉन स्ट्रोमैन को। आखिर उन्होंने पिन क्यों किया 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना को। तो हम जानते हैं, अगर वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को पिन करेंगे तो उन्हें ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा और उन्हें ज़्यादा बड़ा पुश मिलेगा। हम जानते हैं WWE एक सुपरस्टार को बहुत ज़्यादा प्रेफर इसलिए भी नहीं करती, क्योंकि अगर वो सुपरस्टार काफ़ी पॉपुलर होकर कंपनी को छोड़ देता है या कोई और बड़ी डील उसे मिल जाती है कंपनी को छोड़ देता है, तो WWE के पास या किसी कंपनी के पास ऐसे सुपरस्टार होने चाहिए जो उस सुपरस्टार के बाद कंपनी को संभाल सके, जिसकी वजह से कंपनी की रेटिंग को भी नुकसान ना हो। तो बस गाइस, आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं WWE की हर बड़ी अपडेट आपको वक्त पर दे सकूँ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।